स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज एंड व्यूज में। पिछले 4 अप्रैल को यूरोपियन कंट्री फिनलैंड नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नया मेंबर बन गया। इसी के साथ नेटो में मेंबर कंट्रीज की संख्या बढ़कर 31 हो गई। फिनलैंड ने पिछले साल नेटो से जुड़ने के लिए ऑफिशियली अप्लाई किया था। न्यूज एंड व्यूज के आज के एपिसोड में हम नेटो पर ही चर्चा करेंगे कि ये क्या है और इसमें शामिल होने का मतलब क्या है और भारत इसमें क्यों नहीं शामिल है। यूक्रेन पर रशियन इन्वेजन, रूस के साथ फिनलैंड के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस और बदलती इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में रूस के घटते इन्फ्लुएंस को देखते हुए फिनलैंड का नेटो में शामिल होना काफी अहम माना जा रहा है। नेटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 31 कंट्रीज का एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। इसमें 29 कंट्रीज यूरोप से हैं और 2 नॉर्दर्न अमेरिका से। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में हुई नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के बाद यह सिक्योरिटी अलायंस बना था। उस वक्त 12 देश इसके मेंबर थे, यानी इसके फाउंडिंग मेंबर्स की संख्या थी 12। नेटो का सबसे नया मेंबर फिनलैंड है, जिसे इसी साल 4 अप्रैल को इसकी मेंबरशिप मिली है। माना जा रहा है कि इस कड़ी में स्वीडन अगला यानी 32वां मेंबर कंट्री होगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के प्रोटोकॉल से जुड़ने के बाद इसके मेंबर बनने में सिर्फ मेंबर कंट्रीज की मुहर की जरूरत रह गई है। इसके बाद बोस्निया और हर्जेगोविना, जॉर्जिया और यूक्रेन की भी नेटो में शामिल होने की उम्मीद है। नेटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक इस पूरे अलायंस में कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम है, यानी यदि किसी मेंबर कंट्री पर कोई एक्सटर्नल कंट्री का इन्वेजन होता है तो ऐसी स्थिति में सभी मेंबर कंट्रीज उस हमले का जवाब देंगे। कोल्ड वार के समय सोवियत यूनियन की ओर से किसी भी खतरे को जांचने पर रखने का काम नेटो ने बखूबी किया था। सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन के बाद भी नेटो ने अपना काम जारी रखा और बाल्कन्स, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और अफ्रीका में मिलिट्री ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। नेटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स में है, जबकि इसका मिलिट्री हेडक्वार्टर बेल्जियम के ही मॉन्स शहर में है। अब जानते हैं कि नेटो की मेंबरशिप मिलने की प्रोसेस क्या है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी इस ऑर्गेनाइजेशन का बेस है, इसलिए इसमें नए मेंबर्स को जोड़ने या फिर किसी भी तरह के बदलाव के लिए ट्रीटी पर साइन करने वाले सभी मेंबर्स के रेटिफिकेशन की जरूरत होती है। ट्रीटी का आर्टिकल 10 नॉन मेंबर स्टेट्स के लिए 2 जनरल लिमिट्स पोज करता है। पहला नियम यह है कि सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज ही इसके नए मेंबर्स हो सकते हैं, और दूसरा, नए मेंबर्स की एंट्री के लिए मौजूदा मेंबर्स की सहमति यानी उनका रेटिफिकेशन जरूरी है। ग्रीस ने मैसिडोनिया नाम पर डिसएग्रीमेंट के कारण कई साल तक रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया की नेटो में एंट्री को रोके रखा था। कुछ इसी तरह टर्की ने भी साइप्रस से जुड़े इश्यूज की वजह से रिपब्लिक ऑफ साइप्रस की नेटो में एंट्री को तब तक रोक रखा था जब तक कि इशू रिजॉल्व नहीं हो गया। नेटो से एसोसिएट होने के साथ ही फिनलैंड फिनलैंडाइजेशन की प्रक्रिया से दूर हो गया है। फिनलैंडाइजेशन का मतलब उस पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्ट न्यूट्रेलिटी से है जिसे फिनलैंड कोल्ड वॉर के वक्त से ही रूस और वेस्ट कंट्रीज के साथ फॉलो कर रहा है। दोनों गुटों से अपने को अलग रखने यानी न्यूट्रल रखने की ये पॉलिसी फिनलैंड और यूएसएसआर के बीच अप्रैल 1948 में हुए एग्रीमेंट ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस के तहत तय की गई थी। फिनलैंड के नज़रिए से देखें तो इस ट्रीटी ने उसे सोवियत यूनियन के अटैक या फिर उसमें शामिल होने से बचाया था, जैसे कि बाल्टिक और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स। इसी ट्रीटी के कारण दोनों गुटों से दूर रहते हुए फिनलैंड डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को अपनाने में कामयाब रहा। यही नहीं, पोस्ट कोल्ड वॉर के दौर में फिनलैंड मार्शल प्लान में भी शामिल नहीं हुआ था, जिसे अमेरिकी प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज सी मार्शल के नाम पर बनाया गया था। इस प्लान के तहत यूएस और यूरोप के बीच आइडिया ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट्स एंड कोऑपरेशन की प्लानिंग थी। फिनलैंड ने उन सभी इश्यूज पर न्यूट्रल पोजीशन ली थी जिसमें सोवियत यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच मतभेद होते थे, लेकिन हाल की कुछ सिचुएशंस के कारण माना जा रहा था कि फिनलैंड जल्दी ही नेटो का मेंबर बन जाएगा, खासकर यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद। कोल्ड वॉर से मिले एक्सपीरियंस ने भी फिनलैंड की सिक्योरिटी पॉलिसी के प्रति अप्रोच बनाने में मदद की। इसने अपने आप को यूरोप के ज्यादा करीब पाया। यही वजह है कि फिनलैंड कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी यानी CSDP और नॉर्डिक डिफेंस कोऑपरेशन नॉर्डेफको जैसी यूरोपियन सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स में शामिल हुआ।
फिनलैंड की माने तो नेटो में शामिल होना उसे अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में मदद करेगा और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ उसके कोऑपरेशन को और मजबूत करेगा। यूक्रेन पर रूस के लगातार हो रहे अटैक के बाद फिनलैंड का नेटो से जुड़ना ये बता रहा है कि उसकी सिक्योरिटी कंसर्न्स को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। फिनलैंड और नेटो कंट्रीज़ का ये नया कोऑपरेशन रूस को रोकने में कितना कामयाब होगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की लीडरशिप में रूस रसो फिनिश बॉर्डर यानी रशिया फिनलैंड बॉर्डर पर ट्रूप प्रेजेंस बढ़ा सकता है। जहां तक नेटो के भारत के साथ रिलेशंस का सवाल है तो कुछ समय पहले ऐसी रिपोर्ट्स आईं कि 2019 के दिसंबर में ब्रसेल्स में पहली बार नेटो और भारत के बीच पॉलिटिकल डायलॉग हुआ है। नेटो के साथ भारत की बातचीत का सिग्निफिकेंस इस बात में भी है कि नेटो चीन और पाकिस्तान के साथ भी बाइलेटरल डायलॉग में शामिल है। नेटो के साथ पॉलिटिकल डायलॉग भारत को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि वह इस रीजन में भारत से जुड़ी चिंताओं और मसलों पर नेटो के नज़रिए में एक बैलेंस बनाए रखे। इसके अलावा नेटो के साथ भारत का डायलॉग अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ संबंधों के नए डायमेंशंस भी जोड़ेगा। नेटो के नज़रिए से देखें तो भारत की जियो स्ट्रेटजिक पोजिशन और तमाम इश्यूज़ पर उसके यूनिक पर्सपेक्टिव्स इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत रेलिवेंट है, और ये सब चीज़ें उसे न सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर बनाती हैं बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा है। भारत और नेटो के बीच शुरुआती प्रोग्रेस के बाद भारत नेटो से आए ऐसे प्रपोजल्स पर विचार कर सकता है जो बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ाने और भारत के इंटरेस्ट में हों। ऐसे में कुछ लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाने और उसे फॉर्मलाइज करने को लॉजिकल मान रहे हैं, तो दूसरी ओर नेटो से जुड़े परसेप्शन, खासकर इसके एक्सपेंशनिस्ट नेचर के कारण कुछ लोग इससे सावधान रहने को भी कह रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।